आप लोग पैसा क्यों नहीं कमा पाते स्टॉक मार्केट में। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन दिया है ब्रिटिश के टेरी स्मिथ ने, जो करोड़ों का फंड मैनेज करते हैं। टेरी बोलते हैं बाय वंस एंड क्राई वंस। इमेजिन करो आप कार दो पैरेलल यूनिवर्स में बाय कर रहे हो, नंबर वन यूनिवर्स में ब्रांड न्यू एक्सीलेंट क्वालिटी कार और नंबर सेकंड यूनिवर्स में एक सेकंड हैंड नॉर्मल सी कार। न्यू कार की कीमत पुरानी कार से 3 गुना है और उसकी वजह से आपकी काफी जेब ढीली भी हो रही है। पर न्यू कार जो आप खरीदेंगे वो अगले 10 साल तक ऐसे चलेगी जैसे कि वो बस आपके लिए ही बनी हो। बढ़िया माइलेज, न्यू इंजन, स्मूथ राइड, और उधर चीप कार जो आपने ली है उसको 1-2 साल में जंग लग जाएगा, मेंटेनेंस मांगेगी, खूब बढ़िया से आपको परेशान भी करेगी, ब्रेक भी फेल हो सकती है और गियर बॉक्स भी खराब हो सकता है। 10 साल की बात करें तो आप ज्यादा रोओगे पछताओगे चीप कार को लेने से। ये थ्योरी बहुत जगह सच होती है, इसमें सरप्राइज की बात नहीं है कि ये थ्योरी स्टॉक मार्केट में भी उतनी ही सच है। टेरी शुरू से ही ब्रिटिश के क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, पेपॉल, पेप्सी। इंडिया के स्टॉक्स अलग होते हैं। इस वीडियो में आप टेरी से 5 टिप्स सीखेंगे इन्वेस्टिंग में ग्रोथ करने की, कैसे आप खूब सारे पैसे कमा सकते हो सिर्फ टॉप की कंपनीज में पैसा लगा के। मेरा नाम है उदित, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। टेक अवे नंबर 1, ग्रेट कार ग्रेट चॉइस। सालों पहले एक प्रोफेशनल गैम्बलर था एलेक्स, जिसको घोड़ों पे पैसे लगाने में बहुत मजा आता था। तब कैमरा नहीं होते थे, घोड़े जब फिनिश लाइन के पास पहुंच जाते थे तो क्लियरली पता नहीं लग पाता था कौन सा घोड़ा जीता है। बैटिंग भी चालू रहती थी तब, फिनिश होने के बाद तक और विनर अनाउंस होने तक। इसका एलेक्स ने फायदा उठाया। एलेक्स ने देखा कि जो घोड़ा क्राउड से सबसे दूर होता है वो ऐसे लगता है कि सबसे तेज भाग रहा है, तो वो ज्यादातर लोगों को विनर लगता था। एलेक्स ने देखा कि वो जब एक आंख बंद करने के बाद देखते थे तो पता लग जाता था कि कौन सा घोड़ा बिल्कुल फिनिश लाइन के पास जीता है, और इस ट्रिक से एलेक्स ने खूब सारे पैसे कमाए। तो आप सबको छोड़ के घोड़े में पैसे मत लगाने लग जाना। टेरी इस एग्जाम्पल से ये समझाना चाहते हैं कि वेट करो जब तक आपको आपका विनर नहीं पता लगता। अब आप ये पूछोगे कि स्टॉक मार्केट के विनर कैसे पता करें। स्टॉक मार्केट के विनर वो होते हैं, नंबर 1 हाई प्रॉफिट मार्जिन स्टॉक्स, नंबर 2 हाई रिटर्न ऑन एसेट वाले स्टॉक्स, नंबर 3 इंक्रीज मार्केट शेयर वाले स्टॉक्स। और कंपनीज हमेशा पाई टू पाई होती हैं, यानी आईटी का कंपैरिजन आईटी के साथ, बैंक का बैंक के साथ और केमिकल इंडस्ट्री का केमिकल इंडस्ट्री के साथ। आपको अच्छी कंपनीज का शेयर थोड़ा महंगा तो जरूर मिलेगा, प्रीमियम जरूर देना पड़ेगा, पर आप पहले से ही एक विनर स्टॉक चूज करके बैठे होंगे। टेक अवे नंबर 2, डोंट पे एक्स्ट्रा फॉर अननेसेसरी गैजेट्स। आपने लग्जरी कार में पीछे की सीट में टीवी लगा हुआ तो जरूर देखा होगा, कई लोगों को वो बहुत पसंद आता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही होते हैं डिविडेंड्स। अब एक नया नया कॉलेज से निकला हुआ बच्चा बोलेगा कि कंपनी तो बेकार है अगर डिविडेंड नहीं देती तो, और कोई फॉर्मूला लगा के आपको हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस समझाने लग जाएगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रिलायंस आपको अपने प्रॉफिट का 50% डिविडेंड में दे देता है तो वो आज रिलायंस रिलायंस ना होता। रिलायंस अपने हर 10 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 10 रुपए कमाता है, यानी अर्निंग करता है। और अगर आपको 50% प्रॉफिट में दे देता तो आज इतनी अर्निंग कैसे पहुंचती, और भाई स्टॉक आज जहां है वहां पहुंचता। और डिविडेंड पे आपको देना पड़ता है टैक्स, पर अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करने का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लॉन्ग टर्म में ऐसे ही ये शेयर कंपाउंड होते हैं और मल्टीबैगर बन जाते हैं। टेक अवे नंबर 3, वेट फॉर द डिस्काउंट। कई नकली फाइनेंस गुरु बोलेंगे अच्छे स्टॉक को खरीदने का कोई टाइम नहीं होता, जब मर्जी खरीद लो, 20% CAGR है, ये अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल गलत। पर टेरी बोलते हैं कि अच्छे स्टॉक्स को हमेशा डिस्काउंट पे ही खरीदो, कोई बड़ी बात नहीं है। रिलायंस, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक जैसे शेयर आपको 20-40% डिस्काउंट पे मिल सकते हैं। मान लीजिए जो शुरू में आपको न्यू कार का एग्जाम्पल दिया था वो आपको 20-40% डिस्काउंट पे मिल जाए तो कैसा रहेगा। ऐसे ही स्टॉक होते हैं जो करेक्ट होते हैं, आपको बस एक लिस्ट बनानी है अच्छे स्टॉक्स की और वेट करना है उनके गिरने का। गिरने का रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे क्वार्टर बिलो एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब कंपनी है तो प्रॉफिट में पर मार्केट बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर रही थी। गिरने का रीजन एक जनरल पैनिक भी हो सकता है, जैसे कि कोविड में हुआ था, पूरी मार्केट पैनिक में है तो अच्छे स्टॉक्स भी तो करेक्ट होंगे ना यार। टेक अवे नंबर 4, डोंट लेट द पेंट जॉब फूल यू। आपने पी रेशियो का नाम तो सुना ही होगा। पी बताता है कि कंपनी का प्राइस महंगा है या सस्ता,
पर आपको पता है कि पीई कई बार आपको पागल भी बना सकता है, जैसे कि एक बहुत पुरानी कार पे अच्छा सा पेंट करवा लिया हो, जैसे कि कार डीलर कराते हैं, बाहर से एकदम बढ़िया पेंट, अंदर से एकदम साफ सुथरी, पर इंजन की ऐसी तैसी हुई पड़ी रहती है। इसलिए सिर्फ पी रेशियो देखकर नहीं पता लगा सकते, पी तो एक सीए या कंपनी का सीएफओ बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। टेरी का कहना है आप कंपनी का एफसीएफ भी दे सकते हो, मतलब फ्री कैश फ्लो यील्ड पर शेयर, जो कि आप एक सिंपल फॉर्मूला से निकाल सकते हो, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर। ये आप बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं। ये कैश किसी भी काम आ सकता है, कंपनी को एक्वायर करने में, आपको डिविडेंड देने में, किसी भी मुसीबत के समय में ये कंपनी के काम आ सकता है। टेक अवे नंबर 5, नो कार इज अ ट्रू ऑलराउंडर। एक ईवी कार बहुत अच्छा ऑप्शन है आने वाले टाइम में सिटी के अंदर ड्राइव करने के लिए, पर जब आप कहीं दूर ट्रेवल करते हो तो चार्जिंग स्टेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पहाड़ों पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या आप इसकी वजह से आने वाले टाइम में ईवी कार नहीं लेंगे? बिल्कुल गलत। ऐसी कोई सी कार नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट बनी हो, 100% हो। बिल्कुल ऐसे स्टॉक्स होते हैं, कुछ ना कुछ कमी तो जरूर मिलेगी। स्ट्रेटजीज अपडेट करना या एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में शिफ्ट करना रिसर्च के बेसिस पर अच्छी बात है, पर बार बार छोटी छोटी कमियों की वजह से स्टॉक बदलना बहुत ही गलत बात है। एक पूरी कंप्लीट साइकिल यानी बुल रन और बियर रन देख के ही अपनी स्ट्रेटजीज बनाओ, नहीं तो आप नुकसान में जाओगे, तो आप ट्रैप में फंस जाओगे बाइंग हाई एंड सेलिंग लो के। तो वीडियो का कंक्लूजन और टेरी का कहना ये है कि अच्छी बढ़िया कार ही अच्छी चॉइस है, सिर्फ पी देख के स्टॉक मत खरीदो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज का वेट करके अच्छी अर्निंग्स और अच्छी कैश रिच कंपनी में ही इन्वेस्ट करो, और कोई कंपनी परफेक्ट नहीं होती, हमेशा सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में और जानना चाहते हैं। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।